वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट क्रिप्टो स्कैम के बारे में। जी हाँ, सबसे बड़ा अगर आप बिगेस्ट क्रिप्टो स्कैम्स की लिस्ट देखेंगे तो उन स्कैम्स में ये जो स्कैम है ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। और ये जो स्कैम किया है ये किया है क्रिप्टो क्वीन ने। जी हाँ, क्रिप्टो क्वीन ने अभी तक बहुत बड़ा चूना लगाया है। और ये स्कैम क्या है पूरी चीज़ें जानेंगे। और अगर आप देखें टेरा लूना जितना जो स्कैम हुआ, टेरा लूना का जो सिचुएशन था उससे तो छोटा ही है, क्योंकि टेरा लूना के तो $40 बिलियन मार्केट से साफ हो गए। लेकिन ये जो क्रिप्टो क्वीन ने स्कैम किया, ये जो स्कैम था ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम था और 32,000 करोड़ रुपए का स्कैम था। और क्रिप्टो करेंसी एक 2014 में जो है क्रिप्टो करेंसी आई थी वन कॉइन नाम की एक क्रिप्टो करेंसी आई और इसको लेके आई, मतलब इसके साथ कौन सी मेंबर जुड़ी हुई थी, वो थी क्रिप्टो क्वीन। क्रिप्टो क्वीन मीन्स रूजा इग्नोटोवा, बुल्गारिया की रहने वाली है रूजा इग्नोटोवा। और इस लेडी ने क्या ही चूना लगाया है, मतलब 2 साल के अंदर हमेशा आप देखें मार्केटिंग बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हुई इस कॉइन को लेके, वन कॉइन को लेके बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की रूजा इग्नोटोवा ने। टीम के साथ जुड़ी रही, लोगों को यहाँ पे विश्वास दिलाया कि आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने से। लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, मार्केटिंग को देखा लोगों ने, और 2 साल तक उस कॉइन का जो मार्केट कैप है $4 बिलियन का हो गया। अब $1 बिलियन 7 से 8 हज़ार करोड़ होते हैं, $4 बिलियन हो गए 32,000 करोड़ रुपये, इतना मार्केट कैप हो गया। और 2 साल के बाद क्या हुआ, सब भाग गए वन कॉइन वाले, ठीक है, रूजा इग्नोटोवा। और FBI की अगर हम बात करें, FBI की मोस्ट टॉप 10 वांटेड लिस्ट के अंदर है रूजा इग्नोटोवा का नाम, क्योंकि 32,000 करोड़ रुपए का स्कैम करके भागी है क्रिप्टो क्वीन। एक सबसे बड़ा चूना जो है क्रिप्टो क्वीन ने 2014 से लेकर 16 तक लगाया है, मतलब 2 साल के अंदर बहुत बड़ा चूना लगाया है। और काफ़ी लाखों इन्वेस्टर्स को उस टाइम पर बहुत बड़ा लॉस हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे वन कॉइन को लेके जिस तरह की हाइप चल रही थी, वन कॉइन बिटकॉइन से भी आगे जाएगा। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि वन कॉइन को लेके लोग इतने, मतलब कहते हैं ना कि बस अब तो वन कॉइन ही है जो आगे जाएगा और कोई कॉइन नहीं है, तो इतना इन्वेस्टमेंट आ गया वन कॉइन के अंदर कि $4 बिलियन का जो मार्केट कैप है वन कॉइन का पहुंच गया। इतना बड़ी बात है कि आज के टाइम में आप देखें कुछ करेंसी के भी नहीं है $4 बिलियन आज के टाइम में भी, लेकिन 5-6 साल पहले $4 बिलियन तक भी पहुँच गया। और ऐसे में पूरी टीम हो गई फरार, रूजा इग्नोटोवा भी हो गई फरार, क्रिप्टो क्वीन ने लगाया चूना और हो गई फरार। FBI की जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, FBI की टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर जो है यहाँ पे रूजा इग्नोटोवा का नाम है। अब इस स्कैम के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है, इस स्कैम से आपको सीखने को ये मिलता है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर स्कैम हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, आपको अवेयर करते हैं कि आपको बच के रहना है, ठीक है, आपको कभी भी अपने क्रिप्टो किसी को सेंड नहीं करने हैं। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपको खुद से रिसर्च करना है, किसी भी नई क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्योंकि डेली नए कॉइन्स आ रहे हैं, अभी तो थोड़ा बियर मार्केट चल रहा है, जब बुल मार्केट आएगा तो फिर से बहार लगने वाली है मार्केट के अंदर नए प्रोजेक्ट्स की। देखो जो जेन्युइन है वो प्रोजेक्ट्स में आप बिल्कुल लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है, लेकिन जो फेक कॉइन्स हैं उनको भी समझना ज़रूरी है जिनका कोई रोड मैप ही नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। जो कॉइन आए हैं लॉन्ग टर्म का रोड मैप लेके, वही कॉइन मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, वही लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं। लेकिन जिनका कुछ रोड मैप ही नहीं है लॉन्ग टर्म का, तो नए कॉइन में पैसा लगाने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए और अच्छे से रिसर्च करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ कॉइन्स जेन्युइन भी होते हैं लेकिन कुछ कॉइन्स फेक भी होते हैं इस तरह के वन कॉइन जैसे। तो क्रिप्टो क्वीन ने क्रिप्टो स्कैम्स की लिस्ट में एक बहुत बड़ा स्कैम किया है वन कॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी से, और काफ़ी बड़ा जो चूना है लाखों इन्वेस्टर्स को लगा था 2014 के अंदर। यही कुछ चीज़ें थी क्रिप्टो क्वीन को लेके। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। क्रिप्टो स्कैम्स किसी भी लिंक पे आप क्लिक कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से आप बच के रहें। क्रिप्टो का एक आप रूल समझ लीजिए, क्रिप्टो में आपको इन्वेस्टमेंट करना है आपको खुद से करना है, आपको खुद से अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, आपको किसी को ट्रांसफ़र नहीं करने हैं कि आपको कोई यहाँ पे बोल रहा है कि आपको 7 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, आपको बिटकॉइन के ज़रिए इतना पैसा डबल करके दे देंगे, तो इस तरह की स्कीम्स, क्योंकि वन कॉइन को लेके भी इस तरह के यहाँ पे दावे किए गए थे कि कुछ टाइम के बाद जो है अरबपति करोड़पति लोग बन जाएंगे, ठीक है।
लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर इस तरह के लालच दिए जा रहे हैं, ये एक होता है मछली में मछली को फंसाना है ना, दाना डाला जाता है और मछली फंस जाती है, तो इस तरह के अगर आपको बताया जा रहा है तो डेफिनेटली वो चीज़ कहीं ना कहीं पूरी तरह फेक है। वहीं पे इशारा आपको समझ जाना चाहिए और दूर रहना चाहिए ऐसी चीज़ों से। तो जिस भी क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं, स्कैम्स नए कॉइन्स में भी होता है, किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले अच्छे से रिसर्च करें तभी आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी इस वीडियो में। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।